में संजय की साइको एनालिसिस टेस्ट के अलावे आज एक और बड़ा अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट से, जहां इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकारते हुए तल्ख टिप्पणी की और कहा कि जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने इस केस को हैंडल किया है उसमें उन्होंने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट उनार डेथ हो इन्वेस्टिगेशन हमरा कोर्ची और जा संभव प्रयोजन प्रत्येक स्टेप्स ना हो। 9 अगस्त को जब कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया की मौत की जानकारी दी तब पुलिस कमिश्नर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। एकटा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट उनार डेथ हुई छे इन्वेस्टिगेशन हमरा कोर्ची और जा संभव प्रयोजन प्रत्येक स्टेप्स ना हो। कमिश्नर साहब ने सरेआम मीडिया की माइक पर रेप पीड़िता का नाम ले लिया। कोलकाता पुलिस पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच से लेकर सीबीआई को सहयोग करने तक हर पहलू में कोलकाता पुलिस घिर गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेचुरल डेथ का केस पोस्टमार्टम के बाद जाकर दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम 6:10 से 7:15 के बीच हुआ लेकिन अननेचुरल डेथ का केस रात 11:30 जाकर दर्ज किया गया। क्राइम रात को हुआ पर क्राइम सीन को भी पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किया गया। पुलिस सुबह 10:10 पर मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इससे पहले पुलिस को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने इस केस को हैंडल किया उसमें उन्होंने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन तक नहीं किया। मेन जो मुद्दा डिस्कस किया गया वो है स्टेटस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, टाइमिंग कब आपका एफआईआर फाइल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए फिर से मैटर 5th को लगा है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सुनवाई के दौरान सीबीआई से भी उनका पक्ष रखने को कहा। जब चीफ जस्टिस ने मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी तब सीबीआई ने कहा कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली, इस दौरान घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए, पीड़िता की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज हुई, डॉक्टरों ने दबाव बनाया तब जाकर क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता पुलिस को जो फटकार लगी वो लगी और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी कोलकाता पुलिस को घेर रही हैं। पिछली हियरिंग में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को फटकार लगाई थी तो उसी वक्त ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संस्थागत, व्यापक और व्यवस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवर अप किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करके उसको हिफाजत लेके ये सिचुएशन को देखना चाहिए, नहीं तो काम हमको लग रहा है नहीं। जैसे वेस्ट बंगाल पुलिस इसको निभाने का कोशिश कर रहा है, इसका प्रूफ का निभाने का कोशिश कर रहा है तो उसको आगे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा हम लोग डर में हैं। बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची ने तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के खिलाफ सीबीआई को शिकायत दी। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस और प्रशासन पर लीपापोती के आरोप लग रहे हैं लेकिन इस बीच कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल का अंदर का सिक्योरिटी सीआईएसएफ संभालेगा, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस वो हॉस्पिटल के बाहर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश के बाद ही सीआईएसएफ जो है वो बैठक किया हॉस्पिटल अथॉरिटी और कोलकाता पुलिस के साथ, उसके बाद ही ये फोर्स डिप्लॉयमेंट असेसमेंट किया गया सीआईएसएफ के तरफ से। अब से सीआईएसएफ आरजी कौर अस्पताल का जो चार्ज है वो पूरा पूरी ले लिया है, ऐसा ही सीआईएसएफ की तरफ से बोला जा रहा है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन अरिंदम सरकार के साथ।